पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ब्लॉक बनियाखेड़ा के ग्राम में जनरेटा में जर्जर विद्युत तारों के बदलने व नए ट्रांसफार्मर के चालू होने के संबंध में विद्युत विभाग के एक्साइनेंट को एक ज्ञापन ग्राम प्रधानपति ने दिया। ग्राम पंचायत जनरेटा में विद्युत तार काफी जर्जर अवस्था में है, जो कि आए दिन टूटकर गिरते रहते हैं, जिससे मोहल्ले वासियों व ग्राम वासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गाँव के ही जाटवों वाले मोहल्ले में लगे ट्रांसफार्मर की आए दिन खुटियां टूटती रहती हैं, जिसके कारण विद्युत सप्लाई ठप हो जाती है और इस भीषण गर्मी से गांव वालों का बुरा हाल हो जाता है। ग्राम जनरेटा में नए ट्रांसफार्मर लगे हुए जो कि अभी तक चालू नहीं कराए गए हैं, उन्हें चालू कराने की मांग की है। इस दौरान प्रधानपति फरत अली उर्फ शब्बू चौधरी, रिंकू, नत्थू, साजिद, उमर, खलील अहमद आदि मौजूद रहे। हमारे गांव में ग्राम जनरेटा, शब्बू प्रधान है मेरा नाम। हमारे गांव में आए दिन, रमजान का महीना चल रहा है, 10-20 मिनट पे तार टूटता है, बिल्कुल जर्जर तार है। और ट्रांसफार्मर इस टाइम दो फुके हुए हैं, दोनों में 3-4 दिन से कोई कई दफ़े इन्फॉर्म कर दिया बिजली घर में जेई साहब को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गाँव पले जाटवा वाला मोहल्ला पूरा परेशान है, और हमारा पारुआ वाली मस्जिद के सामने ट्रांसफार्मर फुका हुआ है कई दिन से, पब्लिक बहुत परेशान है। रमजान का महीना चल रहा है और कई टाइम तो ऐसा होता है कि अफ्तार के टाइम ही बिजली गायब होती है, पता करते हैं तो बोलते हैं कि तार टूट गया। तो हमने यही शिकायत करी है, उनके असिस्टेंट को दिया है जो सेक्रेटरी हैं एक्सिन साहब, उन्होंने कहा हम ये SDO साहब को फॉरवर्ड कर रहे हैं।